इसके दाम सब। और आज हम लोग आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन पेंसिलों का। तो सबसे पहले आती है हमारी अप्सरा, जिस कंपनी की इरेजर हार गई थी। फोकस कर दे बढ़िया वाला। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, तो मैं दिखा देता हूँ। एप्सरा एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा डार्क। तो अभी जो पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें ये मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, तो इसीलिए मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए ये चार शेडिंग हो गई है नॉर्मल इसकी एप्सरा की, और ये HB 2B 3B 4B। फोकस कौन चेंज कर रहा है पता नहीं, कौन कर रहा है ये फोकस चेंज, या फिर मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही कर रहा हूँ। अरे यार फोकस कर दे। तो इसने फोकस कर दिया है बहुत मुश्किल से। तो पहले हम कर लेते हैं ब्लेंडिंग, क्योंकि ब्लेंडिंग करने के बाद ही हम इरेज कर देंगे। ओ बे निकल, माइक की तार ना लटक रही है। इस बार गिरेगा तो नहीं ना तू। तो मैं कागज से करता हूँ ब्लेंडिंग, और ब्रश से भी कर सकते हैं। एक बार पहले कागज से कर लेते हैं, फिर ब्रश से करके देखेंगे। तो अब करते हैं इरेज सबसे पहले नॉर्मल। तो ये फिर से इरेज नहीं हो रही, वैसे कंपैरिजन की तरह अप्सरा की इरेजर है। तो ये इरेज हो तो रही है, आपको दिख रहा होगा। पर इसमें हाईलाइट तो हो रहे हैं, पर इसमें थोड़े थोड़े प्रिंट प्रिंट छूट रहे हैं। और अब इसकी ग्रेफाइट, तो इसमें तो प्रिंट बहुत कम ही छूट रहे हैं, बिल्कुल ना। देखो 100% प्रिंट है इसके, देखो 100% प्रिंट आएंगे अभी। तो उसमें से सिर्फ 5 या 6% ही बच रहे हैं, सिर्फ 5 या 6%। 90% ये सारा इसने साफ कर दिया, 90% इसने सारा कर दिया, और इसने सिर्फ 50, इसका सिर्फ 50% ही हुआ है साफ। और इसको कर दिया ये पूरे 90% कर दिया। और अब करते हैं 3D। 3D भी अच्छे से होगी। तो अभी हम ब्रश से भी ब्लेंड करके दिखाएंगे। तो अभी मैं ब्रश अटक गई, इरेजर अटक गई, हो गया ये 4D पे नहीं कर पा रही ब्लेंडेड। ओ भाई कर दिया, 4D भी अच्छे से कर दी। तो एक मिनट रुकना, तो ले आया हूँ मैं ब्रश, और अब इससे ब्लेंडिंग करेंगे। सिर्फ इस बार दो पेंसिल का करेंगे, एक ये नॉर्मल अप्सरा की और HB, बस इन्हीं दोनों का करेंगे। तो करते हैं पहले HB से शेड। ये ज़्यादा स्मूथली शेड नहीं हो रहा, ये लिखने की होती है। देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग कर करके मेरा ब्रश कितना काला हो गया। ये पीछे वाली है,
पीछे वाला आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ कि पीछे वाला है क्या। ये नहीं है, अभी मैंने दिखाना है, दिखा देता हूँ कि पीछे वाला क्या है। ट्रेन, तो ट्रेन है, मैंने बनाई थी और मैं बहुत सारी ट्रेन बनाता हूँ आर्ट आर्ट वर्क। तो यही है मेरा आर्ट वर्क। और सबसे पहले मैं क्लिप ले लेता हूँ। अब आ रही है? हाँ, बारी होगी। तो इसका हो गया, इसको साइड में रखते हैं और अब करते हैं HB से, क्योंकि HP जरूरी है। मुझे पता है कि यहाँ से पेज फट रहा है और क्योंकि पेंसिल थोड़ी गीली हो गई। तो ये हो गया, अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो ये भी हो गई ब्लेंड। और 1 मिनट, अभी थोड़ा सा रहता है ब्लेंड। अरे यार, ये तो गलत हो गया, कम गलत हो गया, दोबारा करनी होगी शेडिंग। कुछ गलत हो गया था इसी रीजन से। हाँ ठीक है, ये हो गई ब्लेंडिंग और शेडिंग। और अभी रेज करके देखते हैं, ग्रेफाइट बड़ी मस्ती रेज हो रही है, ग्रेफाइट बड़ी मस्ती रेज हो रही है, बड़ी मस्त हो रही है। और अब इस पे तो ये प्रिंट, तो इस पे प्रिंट, तो इस पे प्रिंट आ रहे हैं और उस पे ग्रेफाइट पे नहीं आ रहे थे, तो इस पे भी करके दिखा देता हूँ। इस पे भी नहीं आ रहे, सिर्फ इसी पे आ रहे हैं, नॉर्मल पे ग्रेफाइट पे नहीं आ रहे। और आप देख सकते हैं कि इस पे, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इरेज कर दूँ तो यहाँ पे भी इसके सिर्फ 90% तो इसने साफ कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ 50, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट बहुत ज्यादा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।